नमस्कार दोस्तों, बिहार विद्युत विभाग के लिए जो जूनियर टेक्नीशियन का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आज हम ट्रांसफार्मर वाले अपने चैप्टर को, अपने सेक्शन को शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी 100% संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और आपके साथ दोस्तों शेयर करूँगा हर वो क्वेश्चन जिसकी पूछे जाने की जो परसेंटेज है ना, वो ज्यादा से ज्यादा है। देखिएगा, इसके अलावा जो हमने इससे पहले क्लास लिया है वो मशीन कंट्रोल पैनल का है। मशीन कंट्रोल पैनल का लगातार 3 क्लास हमने लिया और इसमें सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, इसका जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, है ना, वहाँ से आप इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार विद्युत विभाग यानी कि BSPCL का जो कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ है ना, वो कितना रहा है, ऑफिशियल कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, है ना, और वहाँ से पता चलेगा। और हमने बात भी किया है कि भाई इस बार जो पिछले कट ऑफ को देख करके इस बार की जो कंपटीशन है वो कंपटीशन किस प्रकार का रहने वाला है, टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो पड़ा हुआ है ना। और एक और खुशखबरी मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल GD और MP पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म अप्लाई किया था और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था CBT का, उनका ऑफिशियल फिजिकल जो डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुका है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, इन सभी का जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इस पर भी हम एक वीडियो आप सभी को देने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक और सबसे अहम और ज़रूरी दोस्तों, जिसका इंतज़ार, जिस भर्ती का इंतज़ार रेलवे में बच्चों को काफी शिद्दत से था, वो भर्ती दोस्तों आ चुकी है। 30 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है ना, जो कि RRB JEE का है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप डी में IT अनिवार्य है या नहीं, जो 1 लाख प्लस भर्ती आने का जो दावा AIRF ने किया है ना, उस पर भी हमने बात किया है, और क्या IT अनिवार्य होना चाहिए ग्रुप डी में या फिर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। चलिए, IOCL की भी भर्ती है ना, रिफाइनरी और पाइपलाइन के लिए, इस पर भी हमने वीडियो दे दिया है। जितने भी दोस्तों मैं आपके लिए ये क्लास ले रहा हूँ है ना, इन सभी क्लास का जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एक और ज़रूरी बात कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़िए, वहाँ पर भी हम तमाम इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के रिगार्डिंग शेयर करते रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ दोस्तों दिल से दिल तक के इस यूट्यूब के चैनल में जुड़े हुए हैं है ना, हमारा और बच्चों का जो रिश्ता है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है दोस्तों, वो दिल से दिल तक का है। ठीक है ना, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, नोटबुक के साथ और कलम के साथ दोस्तों आप अपने आप को रखिए ताकि हर पॉइंट को आप नोट कर सकें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एक कंपटीशन की, और एक ऐसा कंपटीशन जहां पर वैकेंसी है 2000 और फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके लाखों की संख्या में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए कि यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर का जो विद्युत रोधी तेल होता है वो पूर्णतः शुष्क है ना। चलिए, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस परिणामित्र में लीकेज रिएक्टेंस का जो मान है वो कम से कम होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी संभावना आने की बहुत ज़्यादा है ना। लीकेज रिएक्टेंस किस ट्रांसफार्मर में कम से कम होता है, ये आपको बताना है, वितरण शक्ति या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि लीकेज रिएक्टेंस से हमें फ़ायदा क्या होता है। तो लीकेज रिएक्टेंस जो होता है ना, ये क्या क्या काम करता है, तो लीकेज रिएक्टेंस हमें दो फायदा देता है ना, इससे हमें दो फायदे मिलते हैं। पहला कौन सा है, पहला है कि भाई ये वोल्टेज ड्रॉप को घटाता है, जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको ये क्या करेगा, ये दोस्तों ये कम करता है, पहला। और दूसरा जो है, ये वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ना, इसके परसेंटेज को भी ये क्या करता है, कम करता है। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप को घटाना है और वोल्टेज रेगुलेशन को भी सुधार करना है ना, तो हमें लीकेज रिएक्टेंस की आवश्यकता पड़ती है।
तो ऐसा वितरण ट्रांसफार्मर में हम चाहते हैं, किस में चाहते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर में चाहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये कहाँ पर उपयोग की जाती है, ये सर्विस लाइन के लिए दोस्तों, किसके लिए, ये सर्विस लाइन में इस्तेमाल की जाती है। और एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा मेरे भाई कि सर्विस लाइन में हम चाहते हैं ना, जैसे कि हम जब मोटर चला रहे होते हैं अपने घरों में, हम चाहते हैं कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना आए, मतलब कि वोल्टेज कभी 240 वोल्ट, कभी 190 वोल्ट, कभी 150 वोल्ट, ऐसे में क्या होता है कि मोटर खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन को ये क्या करेगा, कॉन्स्टेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, लीकेज रिएक्टेंस, और वोल्टेज जो घट रहा है, जो बढ़ रहा है, वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, यानी जो ड्रॉप हो रहा है, उस ड्रॉपेड को क्या करेगा, ये कंट्रोल करके रखेगा, कांस्टेंट बना के रखेगा। इसलिए वितरण ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस का मान कम से कम होना जरूरी है। फिर आप कहेंगे कि सर आप हमें ये भी बता दो हाथों हाथ कि भाई ज़्यादा किस में होता है, तो ज़्यादा होता है आपका वितरण ट्रांसफार्मर में, है ना, इसमें कितना होता है, इसमें अधिक होता है, है ना। अब सुनते जाइए कि अधिक होने का रीज़न क्या है, अधिक होने का फ़ायदा क्या है। तो अधिक होने का फ़ायदा ये है क्योंकि इसको हम सब स्टेशन में यूज करते हैं, कहाँ पर, सब स्टेशन में यूज करते हैं, और सब स्टेशन के अलावा इसको संचरण लाइन में भी यूज किया जाता है, कहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइन में भी इसका उपयोग काफ़ी है। और ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है ना, कौन सी करंट, जो शॉर्ट सर्किट धारा होती है, प्लस में जो फॉल्ट करंट होते हैं, है ना, जो फॉल्ट करंट होती है, इन दोनों को ये क्या करती है, सीमित करने का काम करती है, है ना। ध्यान रखिएगा कि शक्ति ट्रांसफार्मर में अधिक होता है लीकेज रिएक्टेंस, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, और शॉर्ट सर्किट धारा प्लस फॉल्ट करंट को ये सीमित करता है। और वितरण ट्रांसफार्मर की जब बारी आए तो ये सारा जो कंटेंट मैंने आपको लिखाया है ना दोस्तों, ये आपको पैड क्लास में भी नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जितना मेहनत आप करते हैं ना, उससे दोस्तों कई गुना मेहनत खुद को करना पड़ता है, इसके बाद हम आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए पूरे सेशन को कंप्लीट देखिएगा, है ना, हर क्वेश्चन में, न जाने किस क्वेश्चन में कौन सा कंटेंट मैं आपको दे दूं, ठीक है ना, जो आपको और कहीं ना मिल पाए। इसलिए पूरे सेशन को शिद्दत से देखना, सेशन को लाइक भी करना दोस्तों, है ना, सेशन को लाइक भी करना। ये क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, यदि वन सेकंड, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर का विद्युत रोधी तेल पूर्णतः शुष्क है, यानी कि जो इसमें हम ऑयल प्रयोग करते हैं वो पूरी तरह से सूखा हुआ है, नमी नहीं है उसमें, तो वह कितने किलो वोल्टता को सहन कर सकता है, है ना, यानी कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसके बारे में आपसे पूछा गया है ऑयल का। तो ये एक डाटा है, इसको नोट करिएगा, अगर यहाँ पर होता 50 किलो वोल्ट तो भी ये सही होता, यानी कि 50 से लेकर के 55 किलो वोल्ट जो होता है ये ट्रांसफार्मर ऑयल होती है ना। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होती है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं होना चाहिए, अगर इसमें नमी हो जाएगी तो फिर दिक्कत क्या आएगी कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग पूरी तरह से आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, है ना। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में इंसुलेशन के लिए जो हम बैरल्स के माध्यम से तेल बाहर से लाते हैं ना, उसको हम, जैसे कि बाहर से कोई तेल आया उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर लेते, उसको कई दिनों तक धूप में उस बैरल्स को, उस ड्रम को जिसमें तेल भरा हुआ है उसको रख देते हैं, ताकि हीट के मदद से, हीट के कारण उसमें अगर नमी कंटेंट होगा भी ना तो वो सूख जाए, ठीक है ना। ये है, फिर है यदि एक ये कंप्लीट है ना, अगला है, नेक्स्ट है कि यदि एक ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस संतोषजनक है, यानी कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जो है वो अच्छा है, ठीक है ना, परंतु इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है, तो ऑयल का उपचार किस सिस्टम द्वारा किया जाएगा, ऑयल का उपचार किस सिस्टम द्वारा किया जाएगा, इसको हम फिल्टरिंग और ड्रॉइंग सिस्टम के द्वारा करते हैं। कैसे, फिल्टरिंग और ड्रॉइंग सिस्टम के द्वारा करते हैं। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए, अगर वाइंडिंग का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गया तो क्या होगा, देखिए इसका जो मापन है ना,
इसका जो मापन है मैगर से किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन मैगर से किया जाता है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है ये मेगा ओम में होना चाहिए। इसका मान किस में होना चाहिए? मेगा ओम में, यानी कि बहुत अधिक है। बहुत अधिक कहने का मतलब क्या है कि जितना इसका निर्धारित किया गया है उतने वोल्टेज को ये सहन कर सके। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर किस राशि को घटा बढ़ा सकता है? बताइएगा दोस्तों, ये किस राशि को घटा बढ़ा सकता है? बड़ा आसान सा सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये फोकट का नंबर दे जाते हैं, ऐसे सवाल होते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये एसी, जो हमारा एसी सप्लाई होता है ना, जो हमारा एसी सप्लाई होता है, इसी को ये क्या करता है? घटा बढ़ा सकता है, लेकिन केवल वोल्टेज को। करंट जो है ये ऑटोमेटिकली, वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाती है ना, क्योंकि जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है ना दोस्तों, अगर वोल्टेज को आपने बढ़ाया तो करंट डाउन होगा, वोल्टेज घटाया तो करंट बढ़ जाएगी। लेकिन फ्रिक्वेंसी यहाँ पर चुपचाप कॉन्स्टेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग उसे कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं भाई? जिसे मुख्य सप्लाई प्रदान की जाती है ना, यानी कि जिसे मेन सप्लाई दिया जाता है, हम यूँ कह सकते हैं कि जिसे इनपुट से कनेक्ट किया जाता है, यही हमारी कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोड से कनेक्ट करते हैं हमेशा। लेकिन ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें ऐसा माजरा नहीं होता, एक ही वाइंडिंग होती है, उसी को आधा सप्लाई देते हैं और आधे में से उसको हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। अगला, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नेस सेकेंडरी वाइंडिंग से कैसी होगी? अब ध्यान रखिएगा, स्टेप डाउन की बात कर रहा है ना, स्टेप डाउन की बात कर रहा है ये, तो फिर ये स्टेप डाउन के केस में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है इसमें टर्न्स जो होती हैं, इसमें जो टर्न्स होती हैं वो अधिक रखी जाती हैं, है ना, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें जो टर्न्स होती हैं ये कम रखी जाती हैं। टर्न्स कम तो वोल्टेज कम, टर्न्स कम तो वोल्टेज कम, अगर टर्न्स अधिक तो फिर वोल्टेज अधिक। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना आप, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, क्योंकि हर एक टर्न्स, मान लीजिए कि कोई एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी में 2500 टर्न्स लगे हुए हैं, कितने हैं 2500 टर्न्स हैं, और हर एक टर्न्स कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है? 5 वोल्ट, तो कितना हो गया ये 125, है ना, इतना वोल्ट हो गया, ठीक है ना, इतना वोल्ट हो गया। और इधर मान लीजिए टर्न्स कम है, मान लीजिए कि 500 टर्न्स है, कितना है 500 टर्न्स, और हर टर्न्स इतना ही जनरेट कर रही है 5 वोल्ट ही, तो कितना हो गया ये 2500, ठीक है ना। अब देखिए इधर वोल्टेज कितना है, इधर वोल्टेज कितना है ना, वोल्टेज किस पे निर्भर करता है? टर्न्स पे निर्भर करता है ना। तो स्टेप डाउन में क्या हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स से अधिक होंगी, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, है ना। टर्न्स हमेशा वोल्टेज हमेशा टर्न्स पे डिपेंड करता है, जितना टर्न्स अधिक होगा उतना वोल्टेज अधिक पैदा होने वाला है, ठीक है ना, ये बात है। अगला है आपका, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ब्रीदर का काम है ब्रीदिंग करना, यानी कि श्वसन। ब्रीद का मतलब क्या होता है? सांस ले, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर तेल को साफ करना नहीं, ऑयल का फिल्ट्रेशन, ड्रॉइंग प्लांट जो होता है वो एक अलग है, ऑयल का फिल्ट्रेशन करना। ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश होती हवा में से नमी को सोखना, यानी कि इसके अंदर जो इनलेट हो रही है एयर ट्रांसफार्मर के अंदर, उसको क्या कर रहा है, उसको अगर उसमें नमी कंटेंट है, नमी अवयव है, उस नमी को हटाना है, ट्रांसफार्मर को हमें सेफली रखना है, नहीं तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, उसका वाइंडिंग जल जाएगी नमी के कारण। आपको पता है ना कि नमी मतलब पानी, और पानी से ही बिजली बनती है, वो बात अलग है कि पानी को हम अलग अलग स्टेप से गुजारते हैं फिर स्टीम तैयार करते हैं, लेकिन पानी में भी करंट फ्लो हो सकती है, होती है, इसलिए वाइंडिंग जो है शॉर्ट हो सकती है। ट्रांसफार्मर में अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त करने की दशा क्या है? कॉपर लॉस, बिल्कुल, अगर कॉपर हानि और आयरन हानि ये दोनों एक समान हो जाते हैं तो फिर ये कंडीशन आती है ना, कॉपर हानि और आयरन हानि अगर एक बराबर हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कॉपर हानि
लोड पे डिपेंड करता है, आयरन हानि लोड पे डिपेंड नहीं करता है, है ना। अगर आपसे कभी ये सवाल पूछे कि लोड पे डिपेंड होने वाली लॉस कौन सी है, तो ये हमेशा कॉपर लॉस है, जिसको हम वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसफार्मरों में कौन सी हानियां लोड के अनुसार परिवर्तित होती है। लीजिए, ये सवाल आपके सामने आ गया, इसको हम कहते हैं कॉपर हानि, इसको हम कहते हैं कॉपर हानि। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे कॉपर हीट होती है, और हीट में, हीट के कारण यहाँ पर लॉस जनरेट होता है, है ना, आई स्क्वायर आर जो होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा पदार्थ नमी को सोखता है, ये एक अच्छा सवाल है। यानी कि नमी को तो सोखता है ब्रीदर के अंदर, ब्रीदर का काम है नमी को सोखना, लेकिन सोखता एक्चुअल में कौन सा है, कौन सा वो केमिकल है, तो वो है आपका कैल्शियम क्लोराइड। वो कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड इज करेक्ट आंसर, है ना। वो कैल्शियम क्लोराइड है जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ट्रांसफार्मर में जो आपका एयर है उसको सूखा करता है। एक ट्रांसफार्मर के फुल लोड आयरन लॉस 900 वाट है, और फिर कॉपर लॉस 1600 वाट है, कितने प्रतिशत लोड पर ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देगा। बहुत ही आसान सवाल है, 75%। कितना है, 75% लोड पर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अधिकतम दक्षता के साथ करेगा काम। 100% दक्षता के साथ तो कोई भी कंपोनेंट हो या कोई भी युक्ति हो वो काम नहीं कर सकता, इंसान खुद नहीं कर सकता। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, अब बताइए। एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर दो वाइंडिंग है, ठीक है ना, चाहे वो सिंगल फेज प्रकार की हो चाहे थ्री फेज प्रकार की हो, फेज डिफरेंस कितना कितना है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं, है ना, तो उसमें सप्लाई वोल्टेज चलता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोड कनेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा वोल्टेज चलता है, जनरेटेड वोल्टेज चलता है, है ना, उत्पन्न ईएमएफ उसमें फ्लो करता है। तो उत्पन्न ईएमएफ और सप्लाई ईएमएफ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो एक दूसरे के ये 180 फेज डिफरेंस में होते हैं। ध्यान रखना, फेज डिफरेंस जितना कम होगा लॉसेस उतना कम होते हैं। हम चाहते हैं कि डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो, इन फेज हो, है ना, हमारे लिए और अच्छा है। एनालॉग प्रकार क्लिप ऑन मीटर या डिजिटल क्लैंप मीटर में क्या लगे होते हैं, तो इसमें सीटी लगी होती है। सीटी को हम क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। अब यहां से एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे, अगर मैं ये कह दूं कि भाई सीटी का यूज कहां पर करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम करंट मापने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई वो फिक्स करंट का मान बताइए, तो आप फंस जाएंगे, है ना। इसलिए सुनिए, इसलिए ध्यान से सुन लेना कि जो आपका करंट ट्रांसफार्मर है, इस करंट ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग, है ना, करंट मेजरमेंट रेटिंग जो होता है ना, वो कितना होता है, तो वो मेरे भाई 60 एम्पियर, कितना 60 एम्पियर होती है। 60 एम्पियर से अधिक, 60 एम्पियर से अधिक, 60 एम्पियर से अधिक, और अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, वोल्टेज रेटिंग की, तो 750 वोल्ट से अधिक, ये वोल्टेज रेटिंग है, ध्यान रखना, और ये करंट रेटिंग है, ये भी ध्यान रखना, है ना। 60 एम्पियर से जहां अधिक करंट मेजर करना है वहां पर यूज करेंगे, और जब वोल्टेज की बात आए तो जहां पर 750 वोल्ट से अधिक हो वहां पर हम सीटी का यूज करते हैं, जिस सर्किट में इतना वोल्टेज चल रहा हो, है ना। ये एनालॉग प्रकार का भी हो सकता है और ये डिजिटल प्रकार का भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटल जो है ना, डिजिटल इंडिया पे डिजिटल ही काम हो रहा है, तो हर चीज, हर उपकरण आज के टाइम पे आपको डिजिटल प्रकार का ही देखने को मिलेगा। हालांकि हम एनालॉग में भी काम करते हैं, बस उसमें एरर्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। सब स्टेशनों पर डीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो सब स्टेशन होते हैं, है ना, वहाँ पर भी डीसी सप्लाई होते हैं। ये देखिए, डीसी का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो रिले सिस्टम, हाँ रिले सिस्टम के लिए करते हैं, ठीक है ना। जो अगर रिले कोई है, मान लीजिए जिसकी क्वाइल 12 वोल्ट डीसी के लिए बनाई गई है, तो फिर उसको हम डीसी सप्लाई से ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एसी से करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, एसी से करेंगे तो कोई मतलब, ऐसा नहीं कि खराब होगा, डीसी वाला कोई भी उपकरण एसी से चलेगा तो वो निम्न दक्षता के साथ चलेगा, लेकिन एसी वाला को हम डीसी से नहीं चला सकते। ट्रांसफार्मर के किस स्थिति में कोर और वाइंडिंग को सुखाया जाता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आंसर क्या होगा,
वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जब कम से कम हो, क्या हो, जब कम से कम हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम कोर को और वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाया जाता है। जब वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम से कम हो, अभी हमने बात किया है ना कि भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में होना चाहिए, तो उसी की बात है। कुंडली व कोर को बिना तेल के सुखाते समय किस तापमान का हॉट एयर दिया जाता है, तो ये हॉट एयर दोस्तों आपका 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना 115 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, इसको बाहर से जब ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है या फिर ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको हम टैंक के अंदर ही अगर सुखाना चाहते हैं तो हम एक्सटर्नली बाहर से 115 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हम क्या करते हैं, एक प्रेशर के साथ, नॉर्मल प्रेशर के साथ हम टैंक में डालते हैं, जिसमें टैंक के अंदर जो कोर है और जो वाइंडिंग्स है वो दोनों सूख सके। वाइंडिंग्स तो नहीं दोस्तों, हम कोर को सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन भी शायद हाँ कुंडली और कोर दोनों पर है। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छी सवाल है कि ट्रांसफार्मर में आई नोट करंट के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, आई नोट है क्या, इसको हम कहते हैं नो लोड करंट। ये हमारी क्या है, ये हमारी है नो लोड करंट, ठीक है ना, ये नो लोड करंट होती है आई नोट करंट। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से देखना आप, आई नोट के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला तो है आपका, देखिए पहला है आपका आई म्यू, है ना, तो आई म्यू के बारे में सुनिए, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब चुंबकन धारा, जो आपकी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है ना, उसका रीजन है यही, नो लोड पर मैग्नेटाइजिंग करंट चलती है, यही वो रीजन है कि इसके जो पावर फैक्टर है उसको लैगिंग नेचर का बना देता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको वाटलेस भी कहा जाता है, वाटलेस कंपोनेंट भी कहा जाता है आई म्यू को। अगर आपसे पूछा जाए कि आई नोट का जो आई म्यू कंपोनेंट्स है इसको किस प्रकार का कंपोनेंट कहते हैं, तो ये वाटलेस कंपोनेंट है। ये क्या करता है, ध्यान रखना, ये जो है इसका काम है कि कोर में, ये क्या करता है, कोर में फ्लक्स सेटअप करता है, है ना, कोर में अगर फ्लक्स सेटअप करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसी का प्रयोग लेते हैं, है ना। आई म्यू का काम है कि कोर में फ्लक्स सेटअप करना, ये मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ये वाटलेस करंट है ना, ये वाटलेस मतलब कि करंट होती है। और जो आपका दूसरा है, ये है आपका दूसरा वाटलेस करंट, है ना, ये आपका वाटलेस करंट हो गया, और ये है आपका वाटफुल करंट। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोर लॉस कंपोनेंट, ये है आपका कोर लॉस कंपोनेंट, यानी कि कोर में लॉस कराने का जिम्मेदार इसका है, जिम्मेदारी, यानी कि कोर में नो लोड के टाइम पे भी कोर में लॉस होता है, बहुत ही कम, वो कौन कराता है, तो ये कराता है आपका, देखिए कोर में लॉस कराने वाला कंपोनेंट कौन है, ये है आपका वाटफुल कंपोनेंट, इसको कहा जाता है वाटफुल। वाटफुल कंपोनेंट्स कौन है, ये है आपका आई म्यू, ये है, और ये है आई डब्ल्यू, है ना। दोबारा सुनिए, आई म्यू जो है ये चुंबकन धारा है, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर आपकी नो लोड में भी, ये मतलब नो लोड हो या फुल लोड हो, ये दोनों के कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण ये आपका जो है पावर फैक्टर लैगिंग में चलता है, और इसको हम वाटलेस करंट कहते हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई पावर का लॉस नहीं कराता, इसलिए वाटलेस हो गया। और कोर में फ्लक्स को सेटअप करना इसका काम होता है, है ना। आई डब्ल्यू जो होता है ये कोर लॉस कंपोनेंट है, यानी कि कोर में लॉस जनरेट करता है नो लोड के कंडीशन में भी, ये वाटफुल यानी कि ये पावर जो है ये लॉस कराती है, ठीक है ना। तो आई नोट जो है ना, ये आई नोट करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक को कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये रहा, एक को कही जाती है मैग्नेटाइजिंग, और दूसरा है आपका कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों मेरा हर एक लफ्ज आपको समझ में आ रहा होगा, आपके दिलो दिमाग में उतर रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, बड़ा ही आसान सवाल है, आंसर है जो
शॉर्ट सर्किट जो है ये आपका वाइंडिंग लॉसेस की तरफ आंसर जाएगा, और वाइंडिंग लॉस यानी कि कॉपर लॉस हो गया। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 19 है, ट्रांसफार्मर में ओपन परिपथ परीक्षण किस हानियों का पता लगाया जा सकता है ना। तो ये दोनों लॉसेस के बारे में पूछा जाता है एग्जाम। तो आयरन लॉस जो होता है ये ओपन सर्किट से ज्ञात किया जाता है, और कोर लॉस जो होता है ये शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि आयरन को हम शॉर्ट कभी नहीं कर सकते, आयरन को हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हम कॉपर को ही शॉर्ट कर सकते हैं, वाइंडिंग को ही शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। लास्ट सवाल है आपका कि हिस्टरेसिस हानि में जो ये एन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है ना। मैं आपको हिस्टरेसिस हानि का पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हिस्टरेसिस हानि में ये स्थिरांक है जो कि चुंबकीय धातुओं के गुणों पर डिपेंड करता है, सिलिका इस्पात का मान कितना होता है ना। सबसे पहले तो देखिएगा हिस्टरेसिस जो हानि होता है इसका फॉर्मूला जो होता है डब्ल्यू लैम्डा बराबर बी मैक्स 1.6 एफ इंटू वी। ये क्या है, हिस्टरेसिस लॉस के लिए फॉर्मूला है ना। मैं दोबारा लिख देना चाहूंगा यहां पर, एफ इंटू वी। ये क्या है, ये एक हिस्टरेसिस लॉस के लिए सूत्र बनता है। इसमें इस राशि के बारे में पूछा गया है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मान जो है ये कितना होता है सिलिका इस्पात में 191, कितना 191 इसका मान होता है। अब देखना ये जो आपको 1.6 है ना, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कही जाती है, इसको कही जाती है स्टीन मेट्ज गुणांक। कौन सा फैक्टर है ये, यह है आपका स्टीन मेट्ज गुणांक। अलग अलग मेटल में अलग अलग स्टीन मेट्ज गुणांक होता है ना। ये जो है ये जो एक्स है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है ना। अब जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें एक्स का मान जो होता है 1.5 से 2.5 के बीच रहता है, ये आप ध्यान रखना। और इसका कितना है 1.6 है ना, तो 1.5 से 2.5 के बीच में रहता है एक्स का मान, इसमें 1.6 दिया हुआ है, ये स्टीन मेट्ज गुणांक होता है। और इस्पात का मान कितना होता है ये भी मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि सारे क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपके नोटबुक तक मैंने पहुंचा दिया एक ही झटके में, है ना। चलिए सब कुछ क्लियर हो चुका है दोस्तों, सब कुछ खत्म हो चुका है। 20 सवाल थे, 20 सवाल जो हैं ये सभी सवाल के आंसर मैंने आप तक पहुँचा दिया। अब आप बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं टोटल 20 सवालों का जवाब पाने के बाद, सॉल्यूशन पाने के बाद। अब आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ जो है मैं हाथों हाथ डाल दूंगा, तो इस पीडीएफ को आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बारी है दोस्तों आपको अपना जो हमारे प्रति इस प्लेटफॉर्म के प्रति प्यार है उसको दिखाने का, और इस वीडियो को शेयर करने का, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर दो आप एक बार, और सेशन को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लो। और कल आपको फिर से दोस्तों इस संघर्ष की दुनिया में वापस आना है, और हम आपको इसका सेकेंड पार्ट देने वाले हैं, और लास्ट में ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको देंगे। लास्ट कहने का मतलब कि पहले ट्रांसफार्मर के सवाल चलेंगे, है ना, इसके बाद एंड में हम आपको देने वाले हैं इसका वाइंडिंग से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। तो इंतज़ार करिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा, और अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।